हाय गाइस, टेक बॉल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज ले आया हूँ ओप्पो A15। ओके गाइस, इसका डिवाइस नेम है, उसके बाद इसका जो मॉडल नंबर है गाइस CPH2185। इसका मॉडल नंबर और डिवाइस नेम पीछे दिया हुआ है कि नहीं गाइस, मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए कोई भी मॉडल नंबर और डिवाइस नेम दिया नहीं है, ओनली ओप्पो का लोगो दिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले गाइस हम लोगों को ऊपर स्वाइप कर देना है। करने के बाद इमरजेंसी कॉलिंग को टिक करके ओपन कर लीजिए, डायल पैड खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है *#899#, उसके बाद बीच में सॉफ्टवेयर वर्जन में चले जाइए। उसके बाद देखिए मॉडल ऊपर है CPH2185, मतलब ओप्पो A15। सबसे पहले गाइस इसका जो प्रॉब्लम हुआ गाइस, इसका लगा है फ़ोन लॉक। फ़ोन लॉक को विथ SP फ्लैश टूल से फ्री में कैसे बाईपास करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। ऐप से गाइस SP फ्लैश टूल से फ़ोन लॉक को फ्री में बाईपास करके दिखा दूंगा। इस बाईपास करने के लिए दो एप्लीकेशन को जरूरत पड़ेगा, एक्सकैडर फाइल को जरूरत पड़ेगा ओप्पो A15 का, और MCT टूल को बाईपास टूल को जरूरत पड़ेगा, और SP फ्लैश टूल को जरूरत पड़ेगा। तीनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम है इसका लगा है पिन लॉक तो मेरे को मालूम नहीं कौन सा है। ओके, एक बात, पिन, पैटर्न, फेस, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट कुछ भी हो, एक ही शॉट से फ़ोन लॉक को SP फ्लैश टूल से फ्री में बाईपास करके दिखा दूंगा। ओके, जितने सारे लिंक हैं मैं नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ओके, डाउनलोड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ओके, चले गए बिना सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, गाइस के बाद वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसी देखिए ना टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम में आपको फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो भी कर लेना। सबसे पहले गाइस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, उसके बाद ट्रिक को इस्तेमाल करना, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, गलती से भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आपका फोन लॉक फ्री में बाईपास नहीं होगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए ट्रिक को भी स्टार्ट करते हैं। ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे पीसी में मैं जा रहा हूँ, आप भी अपने पीसी में चले जाइए। ओके गाइस, देखिए मेरे पीसी में आ चुका हूँ, आप भी अपने पीसी में चले जाइए। जाने के बाद देखिए गाइस एक फाइल है, इसका दो फाइल दिया है, इसके अंदर सब है, दोनों का फाइल के अंदर दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट में फाइल दिया है ओप्पो A15 का एक्सकैडर फाइल और DA फाइल दिया हुआ है, इसके अंदर दो फाइल है, सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद देखिए वहीं उसके साइड में देखिए इसको और फाइल दिया हुआ है MCT+SP फ्लैश टूल दिया हुआ है, इसके अंदर भी चार फाइल दिया हुआ है, मैं एक्सट्रैक्ट करके बाद में दिखा दूंगा। ओके गाइस, सबसे पहले दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके फर्स्ट सबसे पहले ओप्पो A15 को मैं एक्सट्रैक्ट फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इसको राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके देखिए एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए एक्सट्रैक्ट हो रहा होने दीजिए, देखिए हो चुका है। होने के बाद फर्स्ट में इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ओके गाइस, सबसे पहले इसका देखिए साइट में ले आ रहा हूँ, इसको आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो ओप्पो A15 एक्सट्रैक्ट फाइल इस DA फाइल दिया हुआ है। ओके, इसके अंदर दो फाइल दिया हुआ है, देखिए इसका DA फाइल, देखिए DA फाइल ऑल इन वन, उसके बाद बैक कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल एंड्रॉइड एक्स्ट्रा फाइल दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए उसके ऊपर फॉर्मेट एड्रेस दिया हुआ है, इसको मैं ओपन करके दे रहा हूँ, MN फाइल है, मेन काम यही है। ओके, उसके बाद मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। उसके बाद दो नंबर पर जो MCT SP फ्लैश टूल दिया है इसको भी हम लोगों को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, दोनों को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। वीडियो को बारीक से देखना, वीडियो को बिल्कुल सी स्किप मत करना। ओके गाइस, देखिए गाइस इस एक्सट्रैक्ट हो चुका है, देखिए गाइस एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको भी मैं साइड बीच में आके दिखा दे रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ओके, मैं जैसे जैसे करूँगा गाइस आप भी ऐसे करना। ओके गाइस, इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद MCT+SP फ्लैश टूल को ओपन कर दे रहा हूँ। ओके, टोटल देखिए इसके अंदर चार फाइल दिया हुआ है, ये देखिए चार फाइल दिया हुआ है। फर्स्ट में देखिए इसका ड्राइवर दिया हुआ है एक नंबर पे, ड्राइवर को आपको माच भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए, मैं तो ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल है, मैं नहीं करूँगा, आप डाउन इंस्टॉल कर दीजिए। ओके, हो गया, उसको बैक करके दिखा दूँ। सेकेंड में देखिए MCT बाईपास टूल दिया हुआ है, उसके बाद देखिए इसको भी जिप फैलिए, इसको अनजिप कर लीजिए, राइट क्लिक करके इसको अनजिप कर दीजिए, देखिए अनजिप हो चुका है, अनजिप, ये देखिए इसके अंदर देखिए इसका बाईपास का टूल मेन टूल यही है, इसको बाद में दिखा दूंगा कैसे यूज़ करना है। उसको तीन नंबर पर देखिए SP फ्लैश टूल भी दिया हुआ है। ओके, देखिए SP फ्लैश टूल देखिए हो गया, इसको भी बैक कर देना। चार नंबर पर देखिए SP download DA फाइल दिया है, इसका कोई जरूरत नहीं है, DA फाइल स्कैटर फाइल के साथ में है, इसको कोई जरूरत नहीं, इसको इस मत करिए, इसको कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को MCT बाईपास टूल को इसको ओपन कर लीजिए, इसको राइट क्लिक करके रन भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम वेट करिए, यहाँ पे लोडिंग लेगा। ओके, MCT बाईपास टूल को ओपन होने में देखिए ओपन हो चुका है,
मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। ओके, ओपन होने के बाद इसको मैं साइड में ले जा रहा हूँ। देखिएगा मीडियाटेक बाईपास टूल, ये देखिएगा MCT। ओके, इस टूल को सबसे पहले ओपन कर लीजिए, उसके बाद साइड में ले जाऊँ। उसके बाद हम लोगों को माई कंप्यूटर को राइट क्लिक कर डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओके, बारीक से वीडियो से ध्यान से देखना वीडियो को। ओके, बिल्कुल स्किप मत करना। उसको डिवाइस मैनेजर को ओपन करके मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ। ओके, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले कि हम लोग को इस करने का है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि हम लोग को इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। सबसे पहले कि हम लोग को इस करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को जो इसको SDC ऑटो पे रहने देना। उसके बाद हम लोग सिंपली से बाईपास के ऊपर टिक कर देना है। ओके, बाईपास के ऊपर टिक करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे ओके दिखा रहा है। मैं तो ऑलरेडी मेरा ड्राइवर इंस्टॉल है, आप भी ड्राइवर को सही से इंस्टॉल कर देना। ओके गाइस, ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे वेट दिखा दे रहा है, वेट करिए। उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन में जाके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस मोबाइल को कर लीजिए आपको स्विच ऑफ, आज भी आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ओके, मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद देखिए गाइस स्विच ऑफ कर दीजिए। करने के बाद एक अच्छा से USB केबल लेना। ओके, केबल लेने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अप और डाउन दिखाई दे रहा है, मतलब वॉल्यूम प्लस माइनस को दोनों को एक ही साथ दबा के USB केबल को सीधा लगा देना है फ़ोन के साथ। ओके, लगाने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे ड्राइवर ले चुका है। देखिए गाइस मैं इसको फ़ोन को साइड में रख दे रहा हूँ, फ़ोन को कुछ छेड़खानी मत करिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए। ओके, ड्राइवर लेने के बाद देखिए यहाँ पर ड्राइवर पोर्ट बन चुका है, मेन काम हो चुका है। हम लोग का जो पोर्ट है देखिए COM 25 यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर देखिए सब ओके ओके हो चुका है, सब जो हम लोग को जो ड्राइवर बना था COM 25 बन चुका है। मतलब हम लोग सबसे पहले यह मेन काम करना पड़ेगा। ओके, इसको नहीं करोगे तो ट्रिक वर्क नहीं करेगा, इसको ध्यान से बारी से देख के कर लेना। ओके, हो गया, इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, जो SP Flash टूल है हम लोगों को उसको ओपन करना पड़ेगा। ओके गाइस, हम लोग सबसे पहले इसको MCT में चले जाइए, 3 नंबर पर देखिए गाइस SP Flash टूल दिया हुआ है 3 नंबर पर। इसको हम लोग को राइट क्लिक डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। SP Flash टूल को राइट क्लिक करके रन भी कर सकते हो, डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। मैं यहाँ से ओपन कर दे रहा हूँ, एरर को ओके कर दीजिए, SP Flash टूल ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसको मैं साइड में ले दे रहा हूँ। सबसे पहले कि हम लोग करने का जो फॉर्मेट एड्रेस को, सॉरी मैं जो DA फाइल को बताया था और एक्स्ट्रा स्कैटर फाइल को बताया था ना, अभी यहाँ पे हम लोगों को इसको देखिए OPPO A15 एक्स्ट्रा फाइल और DA फाइल को ओपन कर लीजिए। कहाँ कहाँ कौन सा सेलेक्ट करना है मैं बता दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में जो बॉक्स दिया हुआ है ये जो DA फाइल है हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए गाइस यहाँ पे DA को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, इसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद देखिए गाइस आपका जो DA फाइल जहाँ पे है स्कैटर फाइल वहाँ पे चले जाइए। मैं तो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है OPPO A15 में। देखिए गाइस स्कैटर फाइल इस DA फाइल इसको ओपन कर लीजिए। फर्स्ट में जो DA फाइल दिया हुआ है DA फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, ऑल इन वन राइट क्लिक करके ओपन कर दीजिए, हो जाएगा सेलेक्ट। ओके, हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे देखिए यहाँ पे देखिए इसको ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड स्कैटर दिखाई दे रहा है ना। ओके, आपको यहाँ पे 2 नंबर पे एंड्रॉइड स्कैटर देखिए स्कैटर फाइल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोगों को सेलेक्ट कर देना है। ओके, बारी से सेलेक्ट करना, आपका जो स्कैटर फाइल जहाँ पे है उसको सेलेक्ट करके ओपन करके सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए एंड्रॉइड स्कैटर फाइल डबल क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सब सेलेक्ट होने के बाद इसको मैं अभी साइड पे रख देता हूँ, और काम है अभी। ओके, इसको साइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों को सिंपली से गाइस करना है SP Flash टूल को ऐसे ही रहने देना, कुछ छेड़खानी मत करें। यहाँ पे डाउनलोड ओनली पे रहने देना, यहाँ पे 2 टिक लगा हुआ है, नीचे एक ऊपर एक। ओके, उसके बाद सिंपली से हम लोग को फॉर्मेट में टिक कर दीजिए, मैनुअल में टिक कर दीजिए, मैनुअली फॉर्मेट। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे जो फॉर्मेट एड्रेस है, देखिए फॉर्मेट एड्रेस यही है मेन। ओके, इसको सही से कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है मैं बता दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले दे रहा हूँ आपको समझ में आए। उसके बाद हम लोग फर्स्ट में यहाँ पे देखिए गाइस जो फर्स्ट में ये फॉर्मेट एड्रेस दिया हुआ है इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे हम लोगों को ये जो फाइल है यहाँ पे आपको ये नंबर है यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, बारी से पेस्ट करना, हो गया फर्स्ट में। और सेकंड में जो नंबर दिया है इसको भी कॉपी कर लीजिए राइट क्लिक करके। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट जगह जगह पर इसको पेस्ट कर दीजिए, हो गया। उसके बाद होने के बाद मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। उसके बाद और एक काम बाकी है, अभी हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में टिक करके फिर से ऑप्शन मिलेगा, इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों को इसको यहाँ पे टिक करके हम लोगों को जो कॉम है इसको यहाँ पे टिक कर रहने देना। उसके बाद हम लोग जो कॉम है, मेरा जो COM 25 है मैं 25 को सेलेक्ट करता हूँ, देखा दे रहा हूँ डिवाइस मैनेजर में, देखिए मेरा 25 कॉम है, मैं 25 को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। आपका जो कॉम है आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, आपका जो कॉम है कॉम सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये वाला टिक करके जो फर्स्ट में मिलेगा 9-2 इसको सेलेक्ट कर देना है, इसको कर दीजिए, हो गया।
उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है ना, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को सिंपली से टिक कर दीजिए। 2 सेकंड वेट करिए, देखिए गाइस फॉर्मेट ओके ओके हो चुका है। कट करके मेरा मोबाइल फ़ोन में जाके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए सिंपली से हम लोग को डाटा केबल को रिमूव कर देना है। करने के बाद सिंपली से डिवाइस को ऑन कर लीजिए। डिवाइस को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ छेड़खानी मत करिए। ओके गाइस देखिए डिवाइस ऑन हो रहा होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए आपका फोन लॉक रिमूव हुआ है कि नहीं। ओके गाइस गाइस एक बार वीडियो चला था लाइक कर देना, आपकी एक लाइक से मेरे बहुत हेल्प हो सकता है। तो सुबह शेयर करिए, कुछ पूछना था तो मुझसे कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसी तरीके नया टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम में आपको फॉलो नहीं किया गया, प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। डिवाइस ऑन हो रहा होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। ओके गाइस देखिए डिवाइस ऑन हो चुका है। उसके बाद जो सेटअप है कंप्लीट कर लीजिए, लैंग्वेज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट, टिक लगा के नेक्स्ट। ओके उसके बाद गाइस एक बात, इसके बाद जो FRP लोग लगता है मतलब गूगल अकाउंट लोग, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ आई बटन में देख लेना, नहीं तो मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। ओके गाइस गूगल अकाउंट लोग लगने से स्किप से प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगा। आप में स्किप से प्रोसेसिंग ना हो तो आई बटन में ही वीडियो देख लेना। ओके उसके बाद स्किप में टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ऊपर स्वाइप करके एक्सेप्ट में टिक कर दीजिए। उसके लेटर, फिर से लेटर, नेक्स्ट लेटर, वेलकम, गेट स्टार्ट। एलिजी गैस आपका मोबाइल है तैयार। कैसे वीडियो खत्म नहीं है, सबसे डिवाइस को लॉक करके दिखा दे रहा हूँ फॉर्मेट हुआ है कि नहीं। देखिए आपका मोबाइल है फुल्ली तैयार। ओके गैस गैस एक बार वीडियो चला था लाइक कर देना, आपकी एक लाइक से मेरे बहुत हेल्प हो सकता है। दोस्तों भी शेयर करिए, कुछ पूछना होता है मुझसे कॉमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसी तरीके नया टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम में आपको फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग।